Hey guys, this is Imran and you are watching CYC channel. Hello friends, welcome back. ये video हमारा exercise 1.2 का third part है, okay? और अगर आपने previous part नहीं देखे हैं तो आप इस I button पे touch कर वो भी देख सकते हो. और अभी तक अगर आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe to our channel and press the bell icon for the latest update. तो चलिए शुरू करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन. ठीक है, हमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी के इफ एक्स इज इक्वल टू 2+3 है. ओके, सो लेट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज गिवन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. ओके, एंड गिवन है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2+3 है. तो हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, इसे ले लेंगे हम एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3i. ओके, अब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3i² ओके. सो यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 9i². ओके, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो ये हो जाएगा माइनस 9. देयरफॉर माइनस 9 को बदल लेंगे प्लस 9 हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ठीक है, इसे हम ले लेंगे लेट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13. ओके, जिसकी वैल्यू कितनी है 0 है, हमने इक्वेशन 1 में ले लिया. हमने जो हमें वैल्यू फाइंड करने की थी हमने उसको क्यू ऑफ एक्स लिया. ओके, हम तो हम क्या करेंगे इसको पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे. नाउ डिवाइडिंग पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स. सो डिवाइड करने पे, सो डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46. ठीक है, और यहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड टर्म जो हमने भी फाइंड करा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13. ओके, अब हमें डिवाइड करना है. यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसको अगर हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा ना, तो हम ऊपर लिखेंगे एक्स. ठीक है, तो फिर एक्स के पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर माइनस 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर प्लस 13 इंटू एक्स 13x. ओके, सब्ट्रैक्शन करेंगे नीचे की साइन चेंज हो जाएंगी और कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 3x². ओके, और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 12x. ठीक है, और ये प्लस 46 एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे. ओके, अब हमें चाहिए 3x², यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 3. सो ये 3 से हम पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x² 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12x 3 इंटू 13 39. ठीक है, इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 7. ओके, सो नाउ अब आपको डिवीजन रूल तो पता ही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7. ओके, दैट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7. ठीक है, हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने की थी. अब एक फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 0 हो रही, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 यहाँ लिख देंगे हम
from equation 1. Okay, that is equal to 0 into 0 plus 7, that is p of x is equal to kitna mil gaya hame 7. Hence x cube minus x square plus x plus 46 is equal to 7. Okay, then next, now second, यहाँ पे भी हम लेंगे solution. Polynomial की हमको value find करनी की हम लेंगे p of x is equal to 2x cube minus 11x square plus 44x plus 27. Okay, हमें given है x की value, x is equal to 25 upon 3 minus 4 आया. Okay, so यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 माइनस 4 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, देयरफॉर 25 अपॉन 3 माइनस 4 आई इंटू 3 प्लस 4 आई अपॉन 3 प्लस 4 आई. ओके, सो ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 3 प्लस 4 आई अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, दैट इज 3 स्क्वेयर माइनस 4 आई स्क्वेयर. ओके, सो 25 इंटू 3 प्लस 4 आई अपॉन 9 माइनस 4 यानी कि 16. ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती, माइनस 1 होती, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, सो 25 इंटू 3 प्लस 4 आई अपॉन 25, यहाँ पे x है, 25 डिवाइड, देयरफॉर x is equal to 3 plus 4i. अब ये हम 3 को इधर ले लेंगे, therefore x minus 3 is equal to 4i. ठीक है, अब हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो वी गेट x minus 3 whole square is equal to 4i square. So इसे expand करने पे x square minus 2 into 3 into x यानी 6x plus 9 is equal to 16i square. Okay, so i square की value minus 1 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा minus 16, उसको इधर ले लेंगे plus 16 हो जाएगा. ठीक है, therefore x square minus 6x plus 9, ठीक है, ये i square minus 16 हो जाएगा, इधर ले लेंगे तो plus 16 is equal to 0. Therefore x square minus 6x plus 25 is equal to 0. ठीक है, इसको equation 1 दे दो, and let इसको polynomial q of x दे दो, is equal to x square minus 6x plus 25. ठीक है, तो इस पॉलीनोमियल से हम हमारे जो रिक्वायर्ड गिवन दी हुई हमें, ठीक है, पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे. ओके, नाउ डिवाइडिंग पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन पॉलीनोमियल 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, और रिक्वायर्ड अभी हमने जो फाइंड करे क्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25. ओके, अब हमें इसको इसे डिवाइड करना है. अब यहाँ पे हमें 2x क्यूब है और हमारे पास x स्क्वायर है. ठीक है, हम यहाँ पे 2x क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, 2x से इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x cube, 2x into 6x minus 12x square plus 25x. ठीक है, इनकी साइन चेंज हो जाएंगी सबकी, ये कैंसल, सो माइनस 11 प्लस 12 दैट इज के x square. सो यहाँ पे एक मिनट, 2 into 25 यहाँ पे हो जाएगा 50 x. ओके,
वन, और ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स प्लस 27 एज इट इज लिख दो। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें किसको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे वन से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो वन इंटू दिस एज इट इज रहेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 25। ओके, बस इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस 25 टू। ओके, सो नाउ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स इंटू क्या है ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 2। ओके, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी की है, क्यू ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स प्लस 25 इंटू टू एक्स प्लस 1 प्लस 2। सो इसकी वैल्यू कितनी फाइंड करते हैं हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 2 यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 2 मिल गया। ओके, हेंस क्या था 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल टू 2। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट, नाउ थर्ड, इस पॉलीनोमियल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, सो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस एक्स प्लस 22। ओके, गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस ट्वाइस आई, 5 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस आई, सो 5 माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस ट्वाइस आई को हम 1 माइनस ट्वाइस आई के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि 1 प्लस ट्वाइस आई अपॉन 1 प्लस ट्वाइस आई, सो 5 इंटू 1 प्लस ट्वाइस आई अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 आई का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस ट्वाइस आई अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आई स्क्वायर यानी कि माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 1 प्लस 2 आई। ओके, देयरफॉर हम ये 1 को इधर ले लेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, अब हम इनकी स्क्वेयरिंग करेंगे। ओके, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 1, दैट इज माइनस 4। ओके, देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस आई माइनस 4 इधर हो जाएगा प्लस 4, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दो। लेट इस पॉलीनोमियल को हम क्यू कंसिडर करेंगे, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो हम अभी हमने फाइंड करें क्यू ऑफ एक्स, इसको इस पॉलीनोमियल को गिवन को इससे डिवाइड करेंगे। ओके, सो नाउ डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स। ओके, सो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे, एक्स इंटू दिस, सो एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, इनकी साइन चेंज हो जाएंगी नीचे वालों की, तो ये कैंसल, 2 प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 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 6x। ठीक है, 21 एज इट इज। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर है, तो हमें 3 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर प्लस 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, सो
3x square minus 6x plus 15, इनकी भी साइन चेंज हो जाएंगी, सो कैंसल कैंसल, 25 माइनस 15 7, ओके। नाउ अब हमें क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इन टू क्या है एक्स प्लस 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 7, ओके। दैट इज इक्वल टू ये कितना है एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 0 प्लस 7 देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। हेंस गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 7, ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड नेक्स्ट नाउ फोर्थ वन, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एक्स इज टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 4 एंड गिवन इज x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस अंडर रूट माइनस 4, ओके। हेयर माइनस 5 अब अंडर रूट 4 है, ठीक है, दैट्स मीन्स अंडर रूट माइनस 1 इंटू 4, ओके, सो माइनस 5 प्लस स्क्वेयर रूट 4 का स्क्वेयर कितना होता है 2 और अंडर रूट माइनस 1 दैट इज आए, तो ट्वाइस हो जाएगा, ओके। देयर फोर माइनस 5 इधर ले लेंगे प्लस 5 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2i, ओके। अब यहाँ पे हम स्क्वेयर करेंगे दोनों तरफ ऑन स्क्वेयरिंग, सो एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आई स्क्वेयर, ओके। देयरफॉर इसको एक्सपांड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 10x प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4 आई का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस 4, ओके। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा दैट इज 29 इज इक्वल टू 0, ओके, इसको इक्वेशन 1 दे दो। नाउ लेट क्यू ऑफ एक्स, अब इसको हम पॉलीनोमियल क्यू कंसिडर करेंगे, ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 29, सो ये पॉलीनोमियल से हम गिवन पॉलीनोमियल क्यू पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे, ओके। नाउ डिवाइडिंग पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स वी गेट, सो डिवाइड करेंगे हम एक्स इज टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 को, ओके, किससे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। सो अब यहाँ पे x इज टू पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ओके, तो एक्स इज टू पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर, ओके, नीचे की साइन चेंज हो जाएंगे कैंसल, सो यहाँ पे सो ये प्लस 9x, ओके, तो यहाँ पे होंगे प्लस 9 माइनस 10 दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस 29 6x स्क्वायर, ओके, अभी माइनस 4 प्लस माइनस एक्स प्लस 4 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे हम, ओके। सो अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स क्यूब है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हो जाएगा
पूरा माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x² माइनस 29x, ओके, प्लस 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 कैंसल, ये हो जाएगा 16x² और ये हो जाएगा प्लस 28x प्लस 4 एज इट इज, ओके। अब यहाँ पे 16x² हो गया, तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 16, सो 16x² प्लस 160x प्लस 16 इंटू 29 464, ओके, साइन चेंज हो जाएंगे इनकी, कैंसल, 132 माइनस एक्स माइनस 460, ओके। नाउ वी नो दैट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू x² प्लस एक्स प्लस 16 प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, माइनस 132 एक्स माइनस 460, ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, इक्वेशन वन में देखे थे हमने, ठीक है, इंटू x² प्लस एक्स प्लस 16 प्लस माइनस 132 एक्स माइनस 464, ओके, सो दैट इज इक्वल टू पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जीरो, माइनस 132 एक्स माइनस 460, ओके, सो माइनस 132 एक्स माइनस 460, एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी, पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू माइनस 5 प्लस 2i, ओके, यहाँ पे प्लस अंडर रूट माइनस 4 था, दैट इज ट्वाइस आई होता, ओके, तो हमने डायरेक्ट ट्वाइस आई लिख दिया, ओके, माइनस 460 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 660 माइनस 264i माइनस 460, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 200 माइनस 264i हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है गिवन पॉलीनोमियल का, ओके। देन नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ वन, सॉल्यूशन, हम इसे भी पी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, 2x^4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 41, ओके, सो गिवन वैल्यू है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3i, ओके, सो माइनस 2 का मिडल ले लेंगे, देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3i, देन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, सो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3i स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेंगे, ठीक है, और आई के स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 हो जाएंगे, ओके, देयरफॉर x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर x² प्लस 4x माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 दे दो, एंड लेट q ऑफ x इज इक्वल टू पॉलीनोमियल x² प्लस 4x प्लस 7, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, इसके क्वेश्चन बन दिए हमने, अब ये पॉलीनोमियल से हम गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे, सो डिवाइडिंग p ऑफ x बाय q ऑफ x वी गेट, तो यहाँ डिवाइड करेंगे हम, सो 2x^4 प्लस 5x³
plus 7x square minus x plus 41. ओके यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. सो अब यहाँ पे हमको एक्स टू एक्स इज टू पावर 4 होना था, हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर. ओके माइनस 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 यहाँ पर जगह 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर. ओके और माइनस x प्लस 4 प्लस 41 ऐसे ही लिखेंगे. ओके अब हमें चाहिए माइनस 3x क्यूब, हमारे पास है एक्स स्क्वायर तो हम क्या करेंगे माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके सो हियर वी गेट माइनस 3x क्यूब 4 3 जा माइनस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 21x. ओके ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएंगे ठीक है कैंसल. और यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 20 ठीक है x 21 माइनस 1 20 प्लस 41 एज इट इज. सो अब हमें 5x स्क्वायर है यहाँ पे ठीक है हमारे पास x स्क्वायर तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 5 फोर जा 20x प्लस 5 7 जा 35 ठीक है. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा 41 माइनस 35 6. ओके सो हेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इन टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 प्लस 6. ओके सो इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 3x प्लस 5 प्लस 6 ठीक है हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. सो p ऑफ x कितना हो जाएगा 0 प्लस 6 दैट इज 6. हेंस गिवन पॉलिनोमियल 2x इज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 इज इक्वल टू 6. ओके विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है. अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.